हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है बोन ब्रेकिंग विद वेविंग कॉम्बिनेशन पर। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे कि आप बोन ब्रेकिंग और वेविंग को कैसे कंबाइन कर सकते हो। तो गाइस, ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जिन्हें वेविंग आती है। यदि आपको वेविंग नहीं आती तो आप हमारा वेविंग पर वीडियो देख सकते हैं और वेविंग सीख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बोन ब्रेकिंग भी आना चाहिए। यदि आपको बोन ब्रेकिंग नहीं आती तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आप बिगनर लेवल की बोन ब्रेकिंग सीखोगे। ज्यादा डिटेल्स के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। तो इस ट्यूटोरियल में हम डेड आर्म एंड एक्स बोन ब्रेक को कंबाइन करेंगे वेविंग के साथ। तो जो डेड आर्म है वो बिगनर लेवल का मूव है, और जो एक्स बोन ब्रेक है वो इंटरमीडिएट लेवल का मूव है। तो जो बिगनर लेवल पर हैं वो डेड आर्म कर सकते हैं, और जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं वो ये दोनों मूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस मूव को सीखने के लिए आपको डेड आर्म आना चाहिए, तो इसे ही डेड आर्म बोलते हैं। यदि आपको डेड आर्म के वेरिएशन सीखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप कितने सारे डेड आर्म के वेरिएशन कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट, अपने एल्बो को इस तरीके से पकड़िए और इसे रोटेट कीजिए। आपके दोनों हाथों में से जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो उसी हाथ का एल्बो पकड़ना है और इसे इस तरीके से रोटेट करना सीखिए। स्टेप सेकंड, अब आपको वेविंग करना है। सबसे पहले अपनी रिस्ट को ऊपर उठाइए, फिर अपने नकल को उठाइए और लास्ट में फिंगर को। इस तरीके से आपको वेव क्रिएट करनी होगी। आपको वेव नहीं आती तो आप हमारा प्रीवियस वेव ट्यूटोरियल देख सकते हैं। स्टेप थर्ड, स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड को ज्वाइन करके करने की कोशिश कीजिए। स्टेप फोर्थ, वेव करते हुए आपको अपने हाथों को निकालना होगा, और जब आप निकालोगे तब आपका पाम स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका हाथ अटक जाएगा। इसलिए पाम को स्ट्रेट करते हुए निकाल कर वेव करते रहें। स्टेप फिफ्थ, अब वेव करते हुए आपको डेड आर्म करना है। आप चाहो तो इस तरीके से डेड आर्म करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपके मूव की फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। फाइनल स्टेप, अब आपको सभी स्टेप को साथ में करना होगा, और सीखने के बाद आप इसे रेगुलर करें, इससे आपका मूव और भी अच्छा दिखेगा। रोज प्रैक्टिस करने से ही आप इस मूव को और स्मूथ कर पाएंगे। वेरिएशन सेकंड, यह वेरिएशन बहुत ही सिंपल है। यदि आप पहले वाला नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे सीख सकते हैं। सबसे पहले अपने एल्बो को ग्रैब कीजिए और वेव करना स्टार्ट कीजिए। जब आप डिसलोकेट करेंगे तब आपको लॉन्ग वेव के साथ डिसलोकेट करना होगा, ताकि इसमें जर्क ना दिखे। आपको लॉन्ग वेव के साथ आर्म डिसलोकेट करना होगा, फिर धीरे धीरे शॉर्ट वेव के साथ डिसलोकेशन करना सीखना होगा। आप चाहो तो अपनी बॉडी को मूव करके भी कर सकते हैं, इससे जर्क नहीं दिखेगा। इस मूव को सीखने के लिए आपको एक्स बोन ब्रेक आना चाहिए। तो इसे एक्स बोन ब्रेक बोलते हैं। यदि आपको एक्स बोन ब्रेक का इल्यूजन सीखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसके अंदर आप एक्स बोन ब्रेक का इल्यूजन सीखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले एक्स बोन ब्रेक करना है, फिर अपने एल्बो को जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाइए, और ऊपर ले जाकर 3 सेकंड तक होल्ड कीजिए, और ऐसा लगातार आपको 2 से 3 मिनट तक करना होगा। एक्सरसाइज सेकंड, इस एक्सरसाइज में एक्स बोन ब्रेक करने के बाद आपको अपने हाथों को स्ट्रेट करना होगा और इसे 3 सेकंड तक होल्ड करना होगा। यह एक्सरसाइज आपको 2 से 3 मिनट तक करना होगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड, सबसे पहले एक्स बोन ब्रेक कीजिए, अपने व्रिस को टच करें अपने दूसरे हाथ से, फिर आपको वेव करनी होगी। अपनी फिंगर का यूज़ कीजिए वेव का इल्यूजन क्रिएट करने में, और रेगुलर प्रैक्टिस से आप भी वेव को फ्लो में करने लगेंगे। आपको उल्टा एस बनाना है, जैसा आप देख सकते हैं, आप उल्टा एस बनाएंगे तो आप एक तरीके की वेव क्रिएट करेंगे। आपको वीडियो में दिख रहा है कि मैं उल्टा एस बना रहा हूँ, आपको उल्टा एस का लेटर को फॉलो करना होगा और आपकी वेव अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।